करके दिखाती हूँ, सब महिलाएं रिक्शा चलाएगी। देखिए ये लेडीज कैसे चला रही है रिक्शा, अपने पैरों पे खड़ी रहेगी, महिला रिक्शा चलाएगी, महिला रिक्शा चलाएगी, बस चलाएगी, टैक्सी चलाएगी, कंडक्टर बनेगी, अपने पैरों पे खड़ी रहेगी महिला। देखिए मेरी बहन यहाँ पे रिक्शा चला रही है गीता, बड़ा बड़ी खुशी हो रही है मुझे। जो मेरा मैनिफेस्टो है उसमें घोषणा पत्र में मैंने पहला कहा था कि सबसे पहले महिला सुरक्षा। महिला सुरक्षित कब होगी? जब उसके पास काम धंधा होगा, बिजनेस करेगी तब महिला सुरक्षित होगी। और मैंने पहला कदम तो उठा लिया है कि मेरी बहन रिक्शा चला रही है, और जितने भी रिक्शा चालक मेल है, आदमी लोग हैं, उनके तोते उड़ रहे कि अब महिला रिक्शा चलाएगी तो उनका क्या होगा। तो उनको एक्चुअली वो सामने से आके मेल जो आदमी लोग के सामने से आके बढ़ावा दे रहे, उनकी रिक्शा है हमारे भाई साहब की, और उन्होंने हमें रिक्शा चलाने के लिए दी है। बहुत जल्द जीत के आऊँगी मैं लोकसभा चुनाव, और बहुत जल्द 15 से 20 हज़ार लाइसेंस निकालूँगी रिक्शा के, बस के, और बस तो BST की होती है, रिक्शा के, टैक्सी के, और जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, मेरे लोग हैं उनमें से महिलाओं से सब जाति में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, सबको, महिलाओं को चुन चुन के मैं उनको लाइसेंस दूंगी, और वो रिक्शा चलाएगी और टैक्सी चलाएगी और बस चलाएगी। मज़ा आ जाएगा जब मुंबई जैसे शहर में एक महिला ऐसा काम करेगी, अपने पैरों पे खड़ी रहेगी, बहुत मज़ा आएगा ज़िंदगी जीने का। मुझे लगेगा कि मैंने ये चुनाव लड़के सही किया, इनके लिए न्याय दिला के सही किया, मुझे बहुत खुशी होगी। महिला सुरक्षा है यहाँ पे, पुलिस का पूरा दिन रात का बंदोबस्त, हर जगह कोने कोने पे अच्छी लाइटिंग है, CCTV कैमरा, सिर्फ CCTV कैमरा सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, रिकॉर्डिंग भी होना चाहिए। यहाँ पे जानबूझ के काला गुलाब जामुन लगा देते हैं, है ना, कि चालू है, लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं होती है, क्योंकि रिकॉर्डिंग का खर्चा ज़्यादा लगता है। तो मेरा काम रहेगा कि पूरा रिकॉर्डिंग, जिसने काम नहीं किया मेरे जीतने के बाद सिस्टम में, जिसने काम नहीं किया उनको मैं इस्तीफा बोलूँगी, चलो निकलो अभी यहाँ से, डायरेक्ट इस्तीफा। Hi everybody, I'm Shahrukh Khan. Watch me only on facebook.com/businessofcinema.